हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है समीर और मेरा नाम है अली। और आज की जो वीडियो हम रिएक्ट करेंगे महेंद्र सिंह धोनी की प्यारी सी ट्रेंडिंग एटीट्यूड वीडियो। और वाकई मेरे डेट भूल गया, मुकाबला होने वाला है भाई आरसीबी और चेन्नई का फाइनल मैच। जो हारा बाहर, आरसीबी में कमबैक मारा है, तू देख नहीं रहा ना आईपीएल? यार आरसीबी दिल तोड़ दिया जब से वो हारती गई ना लगातार। मैंने बोला तूने वहीं तक छोड़ा, उसके बाद 6-6 जीती आई है। अच्छा कमबैक मारा भाई ने, कंटिन्यू। पर सीन ये है कि चेन्नई सुपर किंग और आरसीबी का मैच है। आरसीबी को एक रन रेट का मसला है, आरसीबी को उनको हराना है 18वें ओवर में, जीतना है बल्कि रन रेट को अगर ऊपर करना है। अच्छा 18वें ओवर से जीतना है, या तो चेन्नई को 18 रन से हराए, पीछे 18 रन पड़े और चेन्नई हार जाए तो अंदर सीधा सेमीफाइनल में आरसीबी। और मजे की बात है, तो मतलब तू कहना चाह रहा है कि मतलब आरसीबी को वो चेन्नई सुपर किंग को आउट करना पड़ेगा 18 रन पीछे बचे हो। अब पीछे बचे या तो 18 ओवर में आरसीबी स्कोर पूरा कर दे जो भी टारगेट मिले। दूसरा मैच देखो इतना बड़ा वो नहीं है, देखो इतना बड़ा नहीं, सामने बहुत बड़ी चीज है सामने। अगर होता 15 ओवर में पूरा करना फिर होता बड़ा मार्जिन। ये भी है कि दूसरी तरफ हद से ज्यादा लोग बोले महेंद्र सिंह धोनी जीते क्योंकि भाई की लास्ट मैच है, इसके बाद रिटायर है। और आरसीबी से तो हर दफा उम्मीद लगाते हैं लोग है? नहीं उम्मीद तो भाई लगाते हैं क्या, उम्मीद मैं बताऊं क्या मेरे ख्याल से आरसीबी के ज्यादा है कसम से यार उसका। महेंद्र सिंह धोनी तो फिर धोनी सारे है। सीन ये है पूरा ग्राउंड बाहर नहीं जाएगा, पता है इसका लास्ट मैच है ये, वो तो नहीं होते खड़े होके देते हैं। हाँ, सबको बोला गया तो लोग बोल रहे हैं आखिरी मैच तो भाई चेन्नई जीते ही इसका लास्ट नहीं हो, आरसीबी को देखा जाएगा। पर दो आप पता आरसी के फैन भी अलग है, धोनी के फैन भी अलग है यार, दोनों तरफ से उलझ गए। अच्छा, एक तरह दूसरा लोग कंपैरिजन क्या मार रहे हैं, ये विराट कोहली की शर्ट पे भी जर्सी पे जो भी चाहिए 18 है, ओवर भी 18 है, स्कोर से भी जितना 18 है, बोले ये चीजें मिला रहे मतलब थोड़ा सा लकी हो गया एक तरह से। विराट कोहली को ज्यादा टॉपिक में से लाइक क्योंकि पहली वीडियो विराट कोहली धोनी का फोटो था तो मैंने कहा ये ट्रेंड पे ही बात हो जाए, चलो देखते हैं भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपका कोई निकनेम था? मिस्टर MS धोनी की वजह से नाम फेमस हो चुका है। धोनी साहब ने स्टंप माइक में बोल दिया चीकू एक बॉल और रखेगा, एक बॉल जो पहले रखा था बहुत जोर का कैच आएगा, चीकू एक बॉल और रखेगा, एक बॉल जो पहले रखा था पहले रखा था कैच के लिए। भाई ऐसा डालेगा तो रख ले तू। उधर ताली बजाने के लिए नहीं है, थोड़ा आगे रख सकता है, अगर मारेगा तो देन होश नहीं, उधर गर्लफ्रेंड नहीं है, इधर आ जा थोड़ा। वॉलीबॉल की तरह खड़ा हुआ है। चलो लड़कों एक विकेट की बात है, धोनी की बेटी उठा रहा है जडेजा कुछ नहीं। Who about that friend you definitely want but when he's around you don't want him around? Why don't you look at Deepak Chahar? No, he's worse than that. So for him I'll have to find some other term. You know, this is the term for good friend. The same you don't know. You know, he's gonna get drunk. You know, so what happens is when he will come at a time, he will leave at a time, and he makes it such a habit that if you're sitting at that time, he is not here. But once he comes, you're like, he'll again come here. So that's how he is. But the good thing is he's maturing. So by the time he turns 50, I think he'll be as mature as he is. But the thing is, everybody takes his own sweet time. And they say that wine gets better with age, so it's like a fine wine. It's just that, you know, maybe in my lifetime I won't be able to finish it. So by the time you mature, I'll be done and dusted. देख के बगैर मारा यार।
रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। दिस प्लेयर होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट टेस्ट 250। Yeah. I don't know who has scored how much. One of the two, please pick. He's in the room. Tera hai kya bhai? You scored a 250. Fastest. Every time she comes in and she has a new question or answer, and the latest is when you ask Lee, okay, why do you love Papa? Papa is money. Oh, wow. I don't know who taught her, but she's straight for, she's like, why do you love Papa? Oh, because Papa is money. but that's how today's kids are. You know, I remember when I was growing up, if my father is in that room, I would be in some other room. Yeah. If my father is speaking, you'll always keep quiet. But I think that was the last generation. The coming generation is more of the type, you know, where the son or the daughter, once they turn 18 or 20 or 21, whatever the legal age is, they'll be like, Dad, come, let's go for a drink. So that's where the future is heading. And it will be very strange when all of a sudden the father says, Beta, I don't drink. Okay, you can give me company. You have a soda, you know, I'll drink beer. सब सहलूंगा तेरे लिए हंस के, पर सह न सकूंगा मैं जुदाई। ओ मेरा यार तू न गिना हर एक हसीना, तेरी यारी पीछे छड्डी हर वारी। तेरी आई तेरी आई तेरी आई तेरी आई तेरी आई मैंने एक्चुअली उस दिन एयर पे बोला भी था कि आई थिंक अभी ना एमएस धोनी को कॉन्ट्रैक्ट में लिखा देना चाहिए कि आपको कंपलसरी कम से कम 6 बॉलें हर मैच में खेलनी, नहीं तो जनता जो है ना उनको पैसे वापस मिलेंगे टिकट के। मैं पिछले मैच में क्या ऐसा भी सेकंड बॉलिंग करता था, वार्म अप का टाइम बहुत कम मिलता है, जड्डू खेल रहा था, मैं बाहर आ गया पैड पहन के, मतलब वार्म अप करने, वैसे अपना बॉलिंग का वार्म अप करने आया था, तो पब्लिक ऊ करने लगी है। मैंने कहा भाई मैं नहीं जा रहा हूँ, पहले पागल हो गया तुम। उनको लगा कि शायद होगा कि नहीं, लास्ट एक दो लोग तो नहीं आ रहे होंगे। मैंने कहा भाई घबराओ मत, मैंने कहा मैं अपना वार्म अप छुपा के लग गया, मैंने देखा भी नहीं ऊपर नीचे, मैंने कहा गाली देंगे नहीं छोड़ते। घबराओ मत जनता, तुम्हें तुम्हारा नशीला पदार्थ मिलेगा मिलेगा। पर तीन ऐसे मौके जब MS धोनी का फनी अंदाज स्टंप माइक में कैद हो गया। नंबर 1, जब तक डिविलियर्स और मैक्सवेल क्रिज पर थे, धोनी जडेजा से हिंदी में बात कर रहे थे, पर जैसे ही हर्षल पटेल आए तो धोनी जडेजा से हंसकर बोले। नंबर 2, केदार जाधव धोनी के लगाए हुए फील्ड के हिसाब से बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे। इस पर धोनी मजाकिया अंदाज में बोले, भाई ऐसा डालेगा तो रख ले तू। नंबर 3, एक टेस्ट मैच में श्रीसंत अपनी ही मर्जी से फील्डिंग किए जा रहे थे, तो धोनी इस पर रिएक्ट करते हुए बोले, ओ श्री उधर गर्लफ्रेंड नहीं है, इधर आजा थोड़ा। क्या कोई और भी फनी स्टंप माइक है तो कमेंट में बताओ, और इसका फुल वीडियो चैनल पर मौजूद है, जाकर देख सकते हो। यार ये जो है ना इसके डायलॉग धोनी के, भाई मेरे को बड़े एपिक लगते हैं यार। ये वाला धोनी का अलग मूड है जो कि उसे करीबी दोस्तों को देखने को मिलता है। मैं उसको देख रहा हूँ कोहली को, यार चीकू वो वाली बॉल डालेगा जो तूने पहले डाली थी, बस एक बॉल डाल। मैं कभी तक सुना नहीं, आज सुना। अच्छा, एक धोनी, दूसरा रोहित शर्मा, इनका बात करने का स्टाइल जो है ना यार, मैं कसम से बहुत बड़ा फैन हूं इनका यार। ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा भुलक्कड़ आदमी है, भुलक्कड़, और वो भी इस तरह थोड़ा सा जो है ना बात इसी तरह कर लेता है, जैसे मतलब नॉर्मल करते हैं ना यार, वो ऐसा नहीं करता, मतलब जैसे लोग इंग्लिश में ज्यादा बात करते हैं थोड़ा सा तरीके से, वैसे नहीं करता वो। मानना पड़ेगा दोनों अपने, महेंद्र सिंह दोनों भाई किंग है, किंग के नीचे विराट कोहली है, कभी विराट कोहली धोनी को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये बात है। ये भाई हकीकत, और ये भी है, धोनी ऐसा है कि हर जनरेशन को याद रहेगा, जैसे धोनी हो गया और
जय सचिन तेंदुलकर को भी बहुत हर जनरेशन याद रखती है। बहुत लोगों ने मतलब उसको देखा भी नहीं है ना, जिन लोगों ने, फिर भी उनको पता है कि हां सचिन तेंदुलकर यार वो ना जो बड़ा हिटर है, बैट्समैन कैप्टन कूल के नाम से ही है। और ये कैप्टन कूल ये मैं बता दूं बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी, धोनी जो है ना, धोनी नाम वो बच्चे बच्चे की जबान पे है एक तरह से। और ये इनकी बाकी जो मैसेज ऑफ क्राउड है ना, इनके फैन है, फॉलोइंग भाई टक्कर में, तगड़ी भाई, तगड़ी कहते प्राइम मिनिस्टर बन सकता है इतना इसका वोटिंग बनेगा। भाई आप बाकी आप जरूर बताना अगली वीडियो किसकी करे, शुभम की, सारा टेंडुलकर या विराट कोहली। वो तो बहुत आते हैं कमेंट भाई, उसको यार अगर फिर से कमेंट करोगे मैं भी याद कराऊंगा। अगर कमेंट करोगे तो अभी लाजमी आ जाएगी। देखो यार तकरीबन कमेंट्स में ज्यादा शुभमन गिल और सारा की हो ना, तो हम अगली वीडियो पे लेकर। और अगर आपके पास क्लिप्स है तो इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना, वीडियो को लाजमी लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय।